एक बार गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक गांव के किनारे से गुजर रहे थे और उस गांव में पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी, जिसके कारण लोगों को बहुत दूर अपने गांव से जाना पड़ता था। उस गांव के निकट ही एक बहुत बड़ा मैदान था जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे गड्ढे थे, गड्ढे खुदे हुए थे। बुद्ध के सभी शिष्यों में एक शिष्य जिज्ञासावश बुद्ध से पूछता है, हे बुद्ध, मैदान में जो गड्ढे हुए हैं उनका क्या उपयोग है? अपने शिष्य का प्रश्न सुन बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मेरे प्रिय शिष्य, इस गांव में पानी की बहुत समस्या है, इसलिए गांव के लोगों ने पानी की खोज में यहाँ छोटे छोटे गड्ढे खोद दिए हैं। उत्तर सुनते ही वो शिष्य मैदान की तरफ चला जाता है और उन गड्ढों में पानी ढूंढने लगता है, परंतु उसे पानी की एक बूंद तक नहीं दिखती। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और अपने शिष्य से कहते हैं, हे शिष्य, क्या तुम्हें वो दूर लोगों की भीड़ जाते हुए दिख रही है? फिर शिष्य कहता है, हाँ बुद्ध, मैं देख सकता हूँ। इसके बाद बुद्ध कहते हैं, ये लोग यहाँ से दूर एक गांव में पानी लेने जा रहे हैं। बुद्ध का शिष्य बुद्ध से पूछता है कि, हे बुद्ध, इस गांव की जमीन में क्या पानी बिल्कुल भी नहीं है क्या? इस बात पर बुद्ध कहते हैं, गाँव में पानी तो बहुत है, परंतु कोई ऐसा नहीं है जो उस तक पहुँच सके। इसके बाद शिष्य कहता है कि, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं कि, तुम इस मैदान में खुदे हुए गड्ढे देख रहे हो। मैदान में ये सभी गड्ढे पानी की खोज में खुदे हुए हैं, लेकिन एक भी गड्ढे से पानी प्राप्त नहीं हुआ। जानते हो क्यों? परिश्रम तो किया गया है, परंतु सही जगह नहीं किया। अगर ये गांव वाले 100 जगह अलग अलग गड्ढे खोदने की बजाय एक ही गड्ढा 100 गड्ढे के बराबर खोदते तो गाँव वाले पानी तक अवश्य पहुँच जाते। मनुष्य का मन भी इसी प्रकार है, जो एक समय में 100 जगह भागता है। अगर मनुष्य अपने मन को एक ही दिशा में लगाए तो वो अपने लक्ष्य को अवश्य हासिल कर सकता है, परंतु बहुत ही कम लोग ये बात को समझ पाते हैं। कोई व्यक्ति अगर अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहता है तो उसे अपने मन को एक ही दिशा में लगाना चाहिए, क्योंकि कठिन परिश्रम करना बेकार है यदि उसे सही दिशा में नहीं किया जाए तो। तो दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से कुछ भी सीखने मिला हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।